गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं भाई सब? पढ़ाई चल रही है ना साथ साथ में? तो देखो, कल हमने डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन की थी कि डाइपोल मोमेंट का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट किया था हमने कि एरो से डिनोट करते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डाइपोल मूवमेंट का ही क्वेश्चन पक्का आता है भाई। ठीक है, तो इसी वजह से डाइपोल मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है ये हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या होता है, पहले मैं तुम्हें एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ क्या होता है। जैसे अब भाई हमारे पास है ना चार लड्डू है, ठीक है, चार लड्डू है हमारे पास, दो बूंदी के जो बूंदी होती है सिंपल येलो वाले, और दो है बेसन के लड्डू। ठीक है, इक्वल साइज है तीनों का, चारों का। ओके, दो बूंदी के लड्डू है, दो बेसन के लड्डू है, उनको मैंने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, फोड़ के मिला दिया सभी को। ठीक है, सभी को मिला दिया। मिलाने के बाद फिर से उसमें से कितने लड्डू बनेंगे, वैसे ही चार लड्डू, है ना। चार लड्डू मिलाए थे तो बाद में मिलाने के बाद भी कितने लड्डू बनेंगे, चार लड्डू ही बनेंगे, है ना। तो अब क्या होगा, पहले दो लड्डू बूंदी के थे, दो लड्डू बेसन के थे, अलग अलग से थे, है ना। लेकिन जब हमने उनको कंबाइन कर दिया, मिला दिया है, मिक्स कर दिया है, मिक्स करने के बाद जो हमारा लड्डू है, हर एक लड्डू, सारे के सारे लड्डू में क्या होगा, आधा हाफ बेसन और हाफ बूंदी, है ना, क्योंकि हाफ बेसन है, दो लड्डू बेसन के थे, दो बूंदी के, तो हाफ लड्डू, हाफ पोर्शन क्या होगा, हर लड्डू में, चारों के चारों लड्डू में हाफ बेसन एंड हाफ बूंदी इसी तरीके से मिक्स होगा। अगर हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हैं तो ऐसे ही होगा ना, आधा उसका टेस्ट आएगा, आधा उसका टेस्ट आएगा, दोनों में। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है भाई। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने की है, SPDF होती हैं, चार टाइप की ऑर्बिटल्स होती हैं, SPDF। जब एटॉमिक, हमें पता है एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, इसी तरीके से जब एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, अब एटम ऐसे तो है नहीं भाई आया और चिपक गया, एटम की ऑर्बिटल्स कंबाइन होती है। एटम्स की क्या होती हैं, ऑर्बिटल्स कंबाइन। हम जनरल बोल देते हैं कि एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एटम्स की ऑर्बिटल्स कंबाइन होती है, और ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। ठीक है, एटम्स की जो ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल, वो कंबाइन होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब भाई तुमने देखा भी होगा, देखो आजकल तो है ना बायो के अंदर, बोटनी के अंदर बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं, ऊपर से वो किसी और चीज का होता है, नीचे से किसी और चीज का होता है, क्योंकि उनका हाइब्रिड होता है ना, जो उन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, ठीक है, या भी कह सकते हैं इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, अब इसकी कंडीशन लिखते हैं हम कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितनी ऑर्बिटल्स कंबाइंस होती हैं, ऑल
एटॉमिक ऑर्बिटल, जितनी भी ऑर्बिटल कंबाइन होती हैं, कंबाइन हैव सेम एनर्जी एंड बिलोंग्स टू सेम एटम. Okay, second is only valence shell atomic orbital are combined. क्या है, सिर्फ valence shell orbital ही combine होंगी. अब जैसे भी हम करते हैं 1s2 2s2 2p इस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है, यहाँ पर 1s2 2s2 2p जैसे नाइट्रोजन का करते हैं 1s2 2s2 2p3 करते हैं, तो 1s2 तो नहीं करेगी पार्टिसिपेट, सिर्फ 2s2 और 2p3 करेगी, क्योंकि बैलेंस कौन सी है 2s2, तो 1s2 पार्टिसिपेट नहीं करेगी. कौन सी कंबाइन होती है, सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स कंबाइन होती है. उसके बाद है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी टू कंबाइन ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल. ठीक है भाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेगी, मतलब फुली फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करती है. बैलेंस सेल ने कहा था, जो वेस्पर थ्योरी हमने की थी, वेस्पर थ्योरी में बोला गया था कि जो ऑर्बिटल्स होती हैं कंबाइन होती हैं वो सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही कंबाइन हो सकती हैं, फुली फील्ड कंबाइन नहीं होगी. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कंडीशन है ये, तो उसके बाद है कैरेक्टर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, तो या फीचर्स कह सकते हैं इसके, कैरेक्टर्स कह लो फीचर्स कह लो. तो सबसे पहले है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म. ठीक है भाई, मतलब जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी. ठीक है, अभी हमने किया था 4 लड्डू मिक्स किए थे, तो बाद में भी कितने बने हैं, 4 ही बने हैं. ठीक है, उसके बाद सेकंड, ऑल हाइब्रिड, देखियो मैं दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है तो ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सिमिलर एनर्जी एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, वो देखने में भी कैसे होंगे भाई, सेम होंगे और सेम एनर्जी होगी. मतलब जैसे हमने 4 लड्डू मिलाए थे भाई, 2 बूंदी के मिलाए थे, 2 बेसन के मिलाए थे, और उसके बाद 4 लड्डू ही हमारे पास बने थे मिक्स करने के बाद, और वो चारों लड्डू जो बनते हैं बाद में वो कैसे होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, मतलब उनके अंदर जो पोर्शन है वो हाफ हाफ वो भी इक्वल है, और जो स्ट्रक्चर होगी वो भी इक्वल ही होगी. ठीक है, तो ये क्या थे हमारे. उसके बाद है ऊपर लिख दूं मैं थर्ड वाला, थर्ड जो है ये है कि
हाइब्रिडाइजेशन ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर आर कैलकुलेटेड या फिर काउंट कर, ठीक है। इन दिस पाई बॉन्ड डज नॉट काउंट, ये वाली बात ध्यान रखना पड़े, पाई बॉन्ड को कभी भी हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमने ये किया है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती है हमारी वो कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं, ठीक है। ऑर्बिटल बनाती हैं और उनकी कैसी होगी, सभी की सेम एनर्जी होगी और वो सेम एटम से बिलोंग होनी चाहिए जो भी ऑर्बिटल कंबाइन होती है। नेक्स्ट है सिर्फ वैलेंस शेल ऑर्बिटल ही कंबाइन हो सकती है, उससे पहले वाले ऑर्बिटल कंबाइन नहीं होंगी। नेक्स्ट इज जो वेस्पर थ्योरी, उन्होंने कहा था कि लोन जो ये हमारी हाफ फील्ड है यही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करे, फुली फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करती है। हाफ फील्ड और फुली फील्ड मैंने तुम्हें बता रखा है कि जैसे ये है तो इसमें ये फुली फील्ड भी पार्टिसिपेट कर सकती है, हाफ फील्ड जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड ही करे, फुली फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकती है। ओके, और एक कंडीशन हो रहा है तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं थर्ड फोर्थ कंडीशन, परमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी। परमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का परमोट होना, एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का दूसरी ऑर्बिटल में जंप करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद कैरेक्टर्स आते हैं कि जो ऑर्बिटल्स जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती हैं उतनी ही ऑर्बिटल न्यू जो नई ऑर्बिटल है वो उतनी फॉर्म होती है। जैसे हमने चार लड्डू मिलाए थे तो चार नए भी चार करेंगे। उसके बाद है ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सिमिलर एनर्जी, जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं उनकी कैसी होती है, सिमिलर एनर्जी होती है और सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ही काउंट किया जाएगा, ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ही काउंट किया जाएगा, पाई बॉन्ड को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे हम पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड बनता है, दो ऑर्बिटल हमें एक के लिए दो पाई बॉन्ड में क्या होता है साइड पेज ओवरलैप होती है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम कर चुके हैं ना अच्छे से, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमने अच्छे से किया है सारा का सारा। एक मिनट में कंडीशन थी हमारी, ये हमने कंडीशन कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि हाइब्रिड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो किस तरीके से होती है। भाई देखो हमारी जो ऑर्बिटल होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से होगी भाई, सारी की सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये क्यों कौन सी है हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है।
हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप हमेशा क्या होगी, ये वाली होगी, जो एक तो इसमें बड़ा लोब होता है, छोटा लोब होता है, ठीक है। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लार्ज लोब इज पॉजिटिव एंड स्मॉल लोब इज नेगेटिव, ठीक है। स्ट्रक्चर है ये इस तरह की, इसी तरीके से बनेंगी, एक लोब पॉजिटिव होगा और एक लोब नेगेटिव होगा, ओके। जो पॉजिटिव बड़ा वाला है वो पॉजिटिव होगा, जो छोटे वाला है वो नेगेटिव होगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है भाई हमारे पास, अब हम करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ओके। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखोगे क्या होता है। सबसे पहले है एस पी हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले क्या है एस पी हाइब्रिडाइजेशन। अभी हमने क्या किया है, हाइब्रिडाइजेशन किया है, हाइब्रिडाइजेशन की क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या फीचर्स है, उसके बाद हम कर रहे हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप क्या है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है भाई, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हम करते हैं ना, कि एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। तो यहाँ पर एस पी, जो नाम से समझने की कोशिश करना, ठीक है, किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना, नाम से समझना इसको। यहाँ पर देखो एस पी है, एस पी का मतलब क्या है, इसके अंदर में इन बीच वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल इज कंबाइन। भाई जो भी यहां पर लिखा हुआ हो ना वही है। अब देखो अगर हम इसकी यहां पर लिखिए वन वन ऐसे लिखना है, ऊपर एक एस है और एक पी है, तो जब एक एस ऑर्बिटल, एस हमें पता है एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स की हैं हमने, तो एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल जब मिक्स होती हैं, तो उन मिक्स होने के बाद जो फॉर्म होता है उसको हम क्या कह लेते हैं, एस पी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा बता देती हूँ मैं क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हमारे पास दो लड्डू होते हैं, दो लड्डू हम बूंदी के ले लेते हैं, दो लड्डू बेसन के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मिला दिया चारों को, बिल्कुल मिला दिया कम्प्लीटली, तो मिलाने के बाद भी कितने लड्डू बनेंगे, चार ही बनेंगे ना, चार मिलाए तो चार ही बनेंगे वैसे। लेकिन जब मिलाने के बाद देखते हैं तो आधा आधा होता, आधा टेस्ट बेसन का आएगा, आधा टेस्ट बूंदी का, सारे के सारे लड्डू एक जैसे होंगे ना, चारों के चारों ऐसे ही। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाती है, और एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर क्या बनाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती है, ओके। अब यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, अब भाई वो पी कोई सी भी हो सकती है, पी एक्स भी हो सकती है, पी वाई भी हो सकती है, और पी जेड भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे कंबाइन हो जाती है, ये कंबाइन होकर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, अभी हमने कहा कि चारों के लड्डू एक जैसे होते हैं, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं, जो हाइब्रिड कंबाइन होने के बाद बनती है, वो हमेशा ऐसी होगी, एक बड़ा लोब एक छोटा सा लोब, बड़ा लोब हमेशा पॉजिटिव होगा और छोटा लोब हमेशा नेगेटिव। बस ध्यान रखना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो चाहे कुछ भी कंबाइन हो या पर सबकी सेप यही बनेगी, वो बड़ा लोब पॉजिटिव एंड स्मॉल लोब नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अब यहाँ पर एक एस और एक पी, और हमने कहा था भाई जितनी ऑर्बिटल कंबाइन होती है ना एटॉमिक ऑर्बिटल, उतनी ही नई फॉर्म होती है, चार लड्डू मिलाए थे तो अपने चार ही बने थे, तो यहाँ पर भी यही है, जितनी हम कंबाइन करेंगे उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। अब यहाँ पर हमने दो मिलाए हैं, दो मिक्स किए हैं, तो यहाँ पर भी दो ही बने,
यहाँ पर देखो किस तरीके से कॉम्बिनेशन होती है। कॉम्बिनेशन होने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा बनता है। ये इस वाले का छोटा लोब है और ये इस वाले का छोटा लोब है। ये नेगेटिव है स्मॉल लोब, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सिस हो जाती है हमारी, किस एक्सिस के लोब है। ठीक है, और जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा? 180। कैसी है ये स्ट्रक्चर? लीनियर। ठीक है, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं यहाँ पर। नेगेटिव लोब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और जो एस पी है। तो यहाँ से एग्जाम्पल इसके हमने किए थे बी एफ टू, बी एफ टू सॉरी बी एफ टू। ओके, एग्जाम्पल्स ये लीनियर सेफ है, एंगल कितना है 180 डिग्री का है। ठीक है, देखो हम इसका बनाते हैं, बी एफ टू बनाते हैं। वेस्टर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हमने बी एफ टू बना लिया था, अब हम इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? बेरिलियम का कॉन्फिगरेशन लिखना है। क्या है बेरिलियम का कॉन्फिगरेशन? 1s2 2s2 है ना। तो हमें पता है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जरूरी नहीं, मतलब सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगी। ओके, अब यहाँ पर देखो भाई, इसमें हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमें एक बात याद रखनी है, सेंट्रल और सराउंडिंग पता है हमें। अब जितने सराउंडिंग होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर करने हैं। स्ट्रक्चर बनाते टाइम ध्यान रखना, फ्लोरीन नाइट्रोजन सॉरी फ्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और हाइड्रोजन, ये पांच, ये पांचों जब भी सराउंडिंग में दिख जाए, जितने ये नंबर ऑफ एटम होते हैं ना, जितने फ्लोरीन उतने ही अनपेयर करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने फ्लोरीन है? 2, तो हमें कितने अनपेयर करने हैं? 2 करने हैं। तो 2 करने के लिए 2s है, 2s के बाद क्या आता है? 2p में करते हैं ना, 1s2 2s2 2p के अंदर, तो इस तरीके से होगा 2p। अभी तो ये ब्रैकेट है, प्रेजेंट तो है वैसे, जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, ब्रैकेट है ये। तो अब देखो 2s के बाद 2p आता है, इन दोनों की क्या है? सेम एनर्जी, सेकंड सेल में है, दोनों न्यूक्लियस है, इसी सेल में है ना इलेक्ट्रॉन। अब इसी सेल में मैं यहाँ से यहाँ बैठा दूँ, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है। अब कितने हो गए यहाँ पर? हो गए 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर। अब एक फ्लोरीन इसके साथ लग जाएगा और एक फ्लोरीन इसके साथ लग जाएगा। ये कौन सी ऑर्बिटल है? एस और ये कौन, ये एक है एस ऑर्बिटल और एक कौन सी है? पी ऑर्बिटल, एस पी। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई? एस पी। अब ये एस पी के लिए हमने क्या क्या स्ट्रक्चर आती है? लीनियर। तो लीनियर हम बना देंगे, सेंट्रल बी बेरिलियम और इस तरीके से फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, एंगल 180। ठीक है, तो भाई ये तो था हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी की हाइब्रिडाइजेशन हम कल करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।